बुद्धों को मेरी चीज को लेकर काफी शॉकिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। जी हाँ गाइस, तो आपको पता होगा कि कल साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच था। ये मैच लास्ट तक जाता है लेकिन साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती है। लेकिन इस मैच के बाद गौतम गंभीर बाबर आजम से काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बाबर आजम ने अभी तक कोई भी इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेली है, बस इनके रिकॉर्ड्स और रैंकिंग को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। आगे इन्होंने कहा कि असली नंबर वन वो है जो टीम को मैच जिताता है, बिल्कुल विराट कोहली जैसा, क्योंकि इन्हें गेम फिनिश करना आता है। कुछ लोग विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करते हैं लेकिन असल में देखा जाए तो इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि विराट कोहली काफी आगे है। इतना ही नहीं, बाबर आजम पर तो एक मीम भी बन चुका है, बाबर आजम इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। रोज उठो, नहाओ, फ्रेश हो और सो जाओ। आगे बढ़ने से पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो कल के मैच में हुई खराब अंपायरिंग पर हरभजन सिंह भी बात करते हैं और कहते हैं कि खराब अंपायरिंग और खराब रूल्स के कारण पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आईसीसी को ये रूल चेंज करना चाहिए। अगर बॉल स्टंप को टकरा रही है तो उसे आउट ही देना चाहिए, भले ही अंपायर ने उसे आउट दिया हो या नॉट आउट दिया हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, वरना टेक्नोलॉजी किस काम की। वेल गाइस, आप इनकी बात से एग्री करते हो अपने ओपिनियन जरूर बताएं, एंड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।